नमस्कार, मैं हूँ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब वक्त हो चला है प्राइम पब्लिक और सरकार का, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। प्रदेश भर में राजनीतिक दलों के दौरे हो रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे किए जा रहे हैं और लगातार विपक्ष पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सूबे में सियासी तापमान हाई होता जा रहा है। वहीं बात करें सूबे की जनता की, तो उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम लगातार चुनाव से जुड़ी स्पेशल कवरेज कर रही है। और इसी कड़ी में आज हमारी टीम ने रुख किया है बदायूं और बलरामपुर का। वहां की जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ मत है, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे इस एपिसोड में। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सियाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर गांव में। यहां पर जानेंगे जनता का क्या रुझान है, क्या माहौल है और किसको आगे यहां से उम्मीदवार देखना चाहते हैं। यहां के विकास से बीते 4.5 सालों में विकास से कितने खुश है यहां की जनता। क्या नाम है आपका? रमेश चंद शर्मा है। अच्छा, बीते 4.5 सालों में यहाँ के विधायक के द्वारा किए गए कामकाजों से कितने खुश हैं, कितना विकास यहाँ पर हो गया? बिल्कुल भी खुश ना, कुछ विकास नहीं हुआ, नाम मात्र को भी वृद्धि नहीं लगी, एक भी कोई कोई जो बता दे ना, कोई किसी का मकान बना, ना किसी को कोई सहायता मिली और ना कोई रास्ता ढंग का। पहले कांग्रेस का विधायक बना था दिलनवाज, उसने तो भी ये बना दिया इंटरलॉक, लेकिन बीजेपी का विधायक तो हमारे यहाँ झांका भी ना, बिल्कुल भी विधायक जी आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर और तमाम सेवाओं के देखते हुए क्या क्या लगता है कि यहाँ पर विकास है? कुछ विकास नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य सेवा हमारा अस्पताल बंद रहता है, यहाँ महीने में 1-8 दिन खुल जाए वो बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललित कुमार शर्मा। देखिए, साफ तौर पर इनका गांव वालों का यही कहना है कि स्वास्थ्य सेवा यहां पर पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी के कामकाजों से। और जानेंगे और जनता का क्या रुझान है और किसको आगे उम्मीदवार देखना चाहती है। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र। अच्छा, कितने खुश हैं 4.5 सालों के विकास से? बिल्कुल ना, जब से जो कुछ भी ना। किसको वोट करेंगे आगे? अब तो वोट जो इनकी जगह कौन चल रहे हैं बोला, बहन जी को करें या किसी को? हाँ। बीजेपी को नहीं देंगे ना? क्यों नहीं देंगे बीजेपी को? अब कुछ काम ना करके दिखाया जी, सड़कें नहीं बनवाई हैं, कुछ भी ना है जी, कुछ भी काम ना है, कुछ भी ना काम जो है ना, कुछ पैसा की निधि नहीं लगी, ये कुछ भी ना मिलो जी। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो देखने तक नहीं आते हैं और सड़कें नहीं हैं, कुछ भी सड़कें का हाल बेहाल हुआ पड़ा है और स्वास्थ्य सेवा जो है वो पूरी तरीके से बेकार नज़र आती जा रही है, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। और स्थानीय समस्याओं से यहाँ के लोग वाक जूझ रहे हैं। और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, विकास कितना हुआ है? विकास इतना हुआ जी, हमारे गाँव में लाइट तक की नहीं है, बिजली की दिक्कत होती है, सड़कें तो आप लेकर गए थे, रास्ता देखे होंगे आपने, ये अब बन गई है नहीं, वो टूटी बूटी रास्ता पड़ी थी हमारी, तो ये इतनी बीजेपी इतनी बढ़िया आ गई, हमारा बहुत बढ़िया हिसाब किताब बना रखा है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम। किसको देखना चाहेंगे इस बार? जो इसका विरोध करे, जो इसे टक्कर देकर पीछे छोड़ जाए और आगे निकल आए, हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ के विधायक जी आते हैं आपसे? हमारे विधायक तो दर्शन ही ना हुए, देखे ही ना विधायक, यहाँ आते नहीं है वो, वो नहीं आते यहाँ पर। आप बताइए विधायक जी आते हैं? ना जी, बिल्कुल नाम है, हमने देखे ही ना आज तक, विधायक जी आते ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और जो समस्या है फिर वो कैसे बताते हैं, बताने जाते हैं तो हल करते हैं? हमने आज तक करीना जब आमीना उनको नंबर तक कोई नाम ये बताओ, समस्या भी उनके सामने नहीं रखी है? रखी है तो दो तीन फेरा रखी है, ब्लॉक में मिले जब रखी है हमने, नल की कई नल तक को ना लगवाया हुआ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो सभी गाँव वाले हैं उनका यही कहना है, नाखुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के विधायक से, जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उनसे लगातार नाखुश नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर विधायक देखने तक नहीं आते हैं तो उनकी समस्या तो हल तो बहुत दूर की बात है। और जानेंगे, और यहाँ पर युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी से जानेंगे कि आखिर उनका रुझान किस तरफ है जी। क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। अच्छा, रोज़गार मिल रहा है? नहीं, रोज़गार तो नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहा हूँ, पर कोई अभी कुछ फ़ायदा ही नहीं है किसी में भी, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे, एग्ज़ाम हो भी रहे हैं तो वो जैसे अभी पिछला पेपर संडे में था वो रद्द हुआ है, अभी बिल्कुल बेकार, गवर्नमेंट की बिल्कुल फेल हो रही है। नाखुश है? अब वोट बन गई आपकी? हाँ, वोट तो बन गई। किसे वोट देंगे इस बार?
अभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। रोजगार नहीं है फिर भी बीजेपी? हाँ, बीजेपी को ही दूंगा मैं तो वोट। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी हिंदूवादी है और बाकी सब में वो है, बिना हिंदूवादी है। रोजगार को देखते हुए नहीं देंगे? रोजगार की जरूरत आपको नहीं है? रोजगार की जरूरत तो है, लेकिन अभी थोड़ा हो सकता है कि कुछ हो जाए, फायदा हुआ तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा फिर। अच्छा, फायदा होगा तो देंगे। आपके बता रहे हैं गांव में कोई विकास नहीं है? नहीं, गांव में तो बिल्कुल विकास नहीं है। तो फिर आप कैसे खुश हैं? नहीं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर ये है कि अगर लगा मेरे को कि अगर कुछ आगे अभी 2-3 महीने हैं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करा तो फिर कर देंगे, उसी को वोट देंगे। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर, और देखा जा सकता है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को ही वोट देंगे और उनके पहले देखेंगे कि फ़ायदा नज़र आ रहा है या नहीं। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे यहाँ पर। जी भैया, क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी, क्या ये बताइए, विकास से खुश हैं आपके? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है जी? हमने आज तक विधायक की शिकल देखी, ना सांसद की शिकल देखी, ना किसी की शिकल ना देखी हमने आज तक, ना ही कोई विकास हुआ गांव में। सड़कों का हाल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा की जी कुछ भी ना, यहाँ पे कुछ भी बीजेपी के राज में कुछ हुआ ही ना यहाँ पे। पहले हुआ था? नहीं, पहले कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं उन्होंने सड़क निकलवा दी इंटरलॉकिंग, फिर वो बीजेपी के बन गए, फिर उन्होंने कुछ कराई ना। उसके बाद से कोई विकास नहीं? कुछ भी नहीं विकास। इस बार वोट किसे करेंगे जी? जो बीजेपी का एंटी रहेंगे? नहीं, जो बीजेपी हराएगा उसके खिलाफ। ये देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के एंटी हैं, ज़्यादातर जो वोटर हैं यहाँ पर बीजेपी से नाखुश नज़र आते दिख रहे हैं। और जानेंगे कि क्या उनका रुझान है, किस तरफ उनका रुझान है। क्या नाम है भैया आपका? भैया, मेरा नाम आकाश शर्मा। अच्छा, किस विकास से कितना खुश है यहाँ पे? जी, विकास तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ के, कम से कम 60% लोगों को तो पता होगा जो विधायक जी हैं, क्या कहते हैं, देवेंद्र नाम दिखे हैं तो, 40% लोगों को तो ये नहीं पता होगा देवेंद्र जी हैं विधायक हमारे यहाँ के। आते नहीं है गांव में? किसी ने शिकल ही नहीं देखी होगी कि कोई। एक बार हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए थे ताऊ जी के, जय साहब जो उनके प्रोग्राम जो हमने देख लिया, और किसी के लोगों से पूछ रहे, उन्होंने शिकल नहीं देखी उनकी। देखिए, नाराजगी व्यक्त किए हुए हैं यहाँ के लोग। देखिए, एक गांधी जी की डेवलपमेंट थ्योरी है कि अगर शहर का विकास चाहते हो तो गाँव का विकास देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल भी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो विधायक, उनकी तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पर बेकार नज़र दिखती हुई नज़र आ रही है, और इस थ्योरी पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। जब गाँव का विकास ही नहीं होगा तो शहर का विकास कैसे होगा, और शहर का नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। इस वक्त हम यहाँ पर इस गांव में मौजूद हैं, कल्याणपुर गांव है, और यहाँ पे लोगों का हाल जाना, साफ तौर पर बीजेपी से नाराज़गी व्यक्त किए हुए हैं। और अगली मुलाकात फिर होगी ऐसे ही चुनावी चर्चा में। अब फिलहाल के लिए इतना ही। शिवांग शर्मा, प्राइम टीवी, बुलंदशहर। प्राइम टीवी की टीम अब सलेनी विधानसभा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, ये जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? रोहित शुक्ला। चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार जो वर्तमान सरकार ये नहीं बन रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है। योगी बाबा कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, उनका काम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा सड़कों पर। क्या कमी रही सरकार में? हम लोग ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर जानवरों की क्या स्थिति है आप ही जानते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कोई ऐसी योजना बता दे जिससे आम आदमी को लाभ हुआ। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने माफिया मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया है, प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें दे दी है। सरेनी लालगंज से समरी मार्ग आप जाकर देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है कि नहीं, अब अपने आप आईने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या ये मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला गैस या प्रधानमंत्री आवास योजना का इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है? आप केंद्र की योजनाओं की बात ही ना करें, बात उत्तर प्रदेश सरकार। मिल रहा तो उत्तर प्रदेश में भी ना? उत्तर प्रदेश में किस तरह से मिल रहा है वो भी सब बड़ी लचर व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में भी, राशन भी मिल रहा है तो झोले में उनकी फ़ोटो है। आप मदद कर रहे हैं तो पूरी तरह से, फिलहाल ओवरऑल उत्तर प्रदेश में योगी बाबा सरकार नहीं बन रही है, उनसे पूरी तरह जनता त्रस्त है। योगी बाबा से जनता तस्त। हमारे साथ एक साथी और, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मेरा गोपाल पांडे नाम है। चुनाव आ चुके हैं जी। तो अब की बार सरेली विधानसभा में क्या रंग खिलेगा? अब इसका तो अभी हमको कोई अंदाजा नहीं क्या खिलेगा, फिलहाल मेहनत सब लोग कर रहे हैं। सरकार कौन बना रहा है? अब सरकार, अब सारे प्रत्याशी आ जाए तो फिर देखा जाए। फिर भी समाजवादी बना रही है, कांग्रेस बना रही है? ज्यादा तो रुख समाजवादी का ही है, अखिलेश जी का। अखिलेश जी का है? तो क्या कमी रह गई योगी बाबा में?
नहीं, कमी कोई नहीं रह गई है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी थी जो उनके अखिलेश जी के समय में अच्छी थी, प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही थी, और बाबा जी के समय में नहीं उस तरह का हो पा रहा है। जैसे जैसे सबसे बड़ा प्रकरण तो जानवर वाला है, किसान परेशान है, वो बेचारा रात भर जागता है, अपनी फसल बर्बाद कर रहा है, और बाकी तो, और विकास के मामले में हमको तो नहीं लगता कुछ हुआ है इस सरेली विधानसभा में, ना जैसा अखिलेश जी करके गए थे, आज चिट्ठी है। तो कहीं ना कहीं आवारा पशु और ये छुट्टा जानवर जो है, ये सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे साथ एक सलाह है जी, योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं, बीजेपी सरकार बन रही है, बीजेपी सरकार बन रही है, ये तो कह रहा है कि समाजवादी बन रही है। समाजवादी कहाँ से बनेगी ये बताइए, जनता देख नहीं रही है क्या, कितने साल क्या क्या कर रहे हैं योगी जी, जनता देख भी तो रही है क्या कर रहे हैं योगी जी है? नहीं तो विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो तो देखने वाले देखते रहते हैं ना, क्या क्या हो रहा है वो तो पता है ना, जनता को पता है ना क्या पता है काम करने के लिए। तो आप तो कह रहे थे कि वो सरकार बना रही है सपा, आप भाजपा को बता रहे हैं। हाँ तो अपनी अपनी राय है, कोई क्या, जिसको पसंद करेगा उसको कहेगा, जिसको पसंद करेगा वही कहेगा। अच्छा क्या अच्छाइयाँ है योगी में? योगी सभी अच्छाइयाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, विकास का, सड़कें बन रही हैं, विधानसभा सरेली में इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, अभी तक बना नहीं, अखिलेश सरकार में क्या बना है, कुछ नहीं बना, पूर्व विधायक ने कुछ बनवाया ही नहीं, जो सरेली विधायक ने बनवाया है कोई नहीं बनवाया कुछ करा। तो 2022 पे सत्ता के आसीन कौन होगा? योगी आदित्यनाथ सीट बैठे हुए। मिली जुली राय लोगों की आई है, कहीं ना कहीं आवारा जानवर पर सरकार को घेरा गया है, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें और अपराध नियंत्रण पर सरकार को सलाहा भी गया है। प्राइम टीवी की टीम अब सरेली विधानसभा की जनता का मूड जानने के लिए अगले पड़ाव की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और जानते हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। क्या परिचय है आपका? सर मेरा नाम संजय आनंद है। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो कौन सरकार बना रहा है अब की बार? सर सरकार उसी की बनेगी जो उन नौजवानों को ध्यान देगा। कौन ध्यान दिया है अभी तक? ध्यान तो सर हम ये बिल्कुल कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जो सरकार है और बेरोजगारों के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम भी एक अभ्यर्थी हैं, और अभी आप देखे थे यूपी टेट वाला पेपर, उसमें अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान हुआ, किराया भाड़ा योगी जी ने, किराया तो योगी जी ने माफ़ कर दिया है, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हम भी गए थे देने के लिए, हम आए, हमने एडमिट कार्ड भी दिखाया, हमने कहा सर योगी जी का आदेश है, तो कहे नहीं हमारे पास लिखित आदेश। 2022 में सरकार कौन बना रहा है? सरकार सर मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कौन बनेगा, जो बेरोजगारों को ध्यान देगा वही अपने सत्ता में आएगा, वो जाए जिसकी सरकार, जो बेरोजगारों को ध्यान देगा वही सत्ता में आएगा। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मैं पंकज तिवारी प्रयागराज से हूँ। आप ये बताइए कि चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियाँ मैदान में हैं, तो उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है? भाई इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिसकी भी बनेगी हम लोग दादा के साथ हैं और दादा के ही साथ रहेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार बना रहे हैं या अखिलेश यादव जी बना रहे हैं? भाई वो आइडिया नहीं है मेरे को। चलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, जानते सब कुछ हैं लेकिन जो है बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और हैं, आइए जानते हैं इनका क्या परिचय। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। चुनाव आ गए हैं, सब मैदान में हैं, तो सरकार कौन बना रहा है? सरकार तो 19-20 बीजेपी की है, मगर चांसेस बहुत कम हैं, सोच है मगर चांसेस, दोनों की लड़ाई है, अब कौन बने ये नहीं बता सकते। आपका क्या मत है, सरकार कौन बनाएगा? हम लोग तो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे। समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे? योगी सरकार ने तो बहुत काम किया है, मुफ्त राशन दिया है, गैस दी है, प्रधानमंत्री आवास मिले ना ही किया, बहुत अच्छा काम, खाली है गलत काम बहुत खराब है, जो भैंसी जानवर परेशान, रात भर भैया ड्यूटी करी थम, ये परेशानी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अगर जो जानवर का मुद्दा हटा दिया जाए तो ठीक है, 19 भी कोनो सरकार गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, भी चली है, और ऐसा कुछ दिक्कतें नहीं है, गरीबों का काम तो हो ही रहा है, गरीब का काम हो रहा है भैया, गरीब का काम हो रहा है। लेकिन हमारे साथ ये कुछ युवा साथी हैं, आइए जानते हैं कि सरेली विधानसभा अब की बार क्या गुल खिलाएगी। क्या परिचय है आपका? रोहित। चुनाव आ गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, लोक लुभावने वादों के साथ, तो सरेली विधानसभा अब की बार क्या गुल खिलाएगा? भाजपा ही आएगी।
भाजपा आएगी? विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, बस भाजपा आएगी। क्या अच्छा काम चल रहा है? अरे सब चीज कानून व्यवस्था सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी तो इनका ये मानना है कि भाजपा आएगी। एक साथी और है हमारे, इनसे भी जानते हैं कि क्या रुख रहेगा सरेली विधानसभा का। क्या परिचय है आपका? सर्वेश सिंह मेरा नाम है, और जैसा आपने बताया अभी भाई साहब ने बोला कि भाजपा आएगी, मैं चाहता हूं कि एक नया चेहरा मिले हमें। भाजपा तो अच्छी सरकार है ही है, और दूसरा कि उनके एक कार्य रक्षण में जो हमारा नया चेहरा हो, वो हम युवाओं का साथ भी दे और जो नई जनरेशन है उसको सही मोटिवेट करे। क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जो भी है उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। या तो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है कि वर्तमान जनप्रतिनिधि से है? भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, जो प्रतिनिधि हैं वो अब उस इलाके का कार्य किए नहीं, बस ये है और कुछ नहीं। नया चेहरा देखना चाहती है भाजपा, कि भाजपा में नया चेहरा है। 2022 में सरकार कौन बना रहा है? भाजपा ही बनाएगी। भाजपा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो वर्तमान विधायक है कहीं ना कहीं उनके प्रति जनता का आक्रोश जरूर दिख रहा है लालगंज कस्बे में। प्राइम टीवी की टीम अब अपने अगले पड़ाव पर जा रही है सरेली विधानसभा की जनता का मूड जानने के लिए। प्राइम टीवी की टीम इस समय सरेली विधानसभा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। प्राइम टीवी जनता का मूड जानने के लिए सरेली विधानसभा के लालगंज कस्बे के दूसरे चौराहे पर मौजूद हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं कि अब की बार सरेली विधानसभा किसकी नाम किसके नाम रहेगी। क्या परिचय है आपका? उमा बख्शी सिंह। सरकार किसकी बन रही है बाबा? बीजेपी की। सर विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है। सर तो लगाते ही करते, तो बहुत साल से लगा रहे हैं, बहुत साल से लगा रहे हैं। क्या अच्छाइयाँ हैं इस सरकार की? बहुत अच्छाई हैं, बहुत, जैसे खेती पैसा मिला, कॉलोनी मिल रहे हैं, गैस मिली है, लैट्रीन मिले हैं, ₹2,000 मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, बहुत सुविधाएं हैं। आज तक का मिलिया नहीं कोई सरकार में, नहीं लाभ नहीं भा, नुकसान हुआ था, नुकसान नहीं फायदा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही। आवास? आवास नहीं मिले हैं, आवास नहीं मिले, वो मिले हैं, इंतजार है, मिले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही लालगंज कस्बे में जो सरेली विधानसभा के अंतर्गत आता है यहाँ पर हावी हो रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये जानते हैं उनकी क्या राय है। दादा क्या परिचय है आपका? बंस बहादुर सिंह। दादा चुनाव आ गए हैं, सब पार्टी मैदान में हैं, तो अब की बार कौन सरकार बना रहा है? सरकार तो यही बनाएगी, थोड़ी दिक्कतें केवल जानवर की है, अगर इनको अगर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो सरकार यही बनाएगी। जानवरों की दिक्कत है, सरकार गौशाला वगैरह तो बनवाए है लेकिन यहाँ पे जो जानवर है हर गांव में हर जगह नहीं बनवाए ना, बहुत दूर दूर बनवाए, यही एक दिक्कत है, बाकी सब कुछ सही है। राशन वगैरह सब मिल रहा, फ्री राशन मिल रहा। तो इस अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, ये कहना है लालगंज कस्बे निवासियों का। हमारे साथ एक लोग और है, आइए जानते हैं उनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? जी दान बहादुर सिंह। किसकी सरकार बनवा रहे हो? सरकार तो भाजपा की, लेकिन यही जो दिक्कत है यहाँ जानवरों की है, सबसे दिक्कत यह है, लेकिन यहाँ कुछ अभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अभी उनका जो कार्यकाल थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा कुछ लोग असंतुष्ट हैं, बाकी और सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वर्तमान विधायक से आप असंतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन कुछ ऐसा दिक्कत है, लोग कुछ उनके काम से कुछ असंतुष्ट हैं, अभी उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ लोग असंतुष्ट हैं। वैसे यह है कि भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, पार्टी से नाराजगी है कि विधायक से नाराजगी है? विधायक से कुछ नाराजगी, ऐसा कुछ चर्चा में सुनने को नजर आता है, बस यही है, और ज़्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं विधायक से ही नाराजगी है। जो यहाँ के लोग बहुत ही शिक्षित हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? सौरभ सिंह हूँ मैं, 182 सरी विधानसभा का निवासी हूँ। चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, तो आगामी सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। विपक्षी तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, निश्चित कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी सरकार। इस सरकार में प्रशासन शासन सब बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है, निश्चित ही रिपीट करेंगे। क्या अच्छाइयाँ है योगी सरकार की? विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है, चाहे किसानों के मुद्दे रहे हों,
चाहे बेरोजगारी रही हो। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं वही बहुत ही बेहतरीन रही, और निश्चित माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करें हम, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे काम किया है कोरोना काल में, सराहनीय रहा। निश्चित बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, निश्चित बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। सर क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार वाजपेयी है, मैं लालगंज के सरेणी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, और अच्छा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का जो रिस्पांस रहा ठीक रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्षी तो बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, किसान धरने पर बैठा है, अपराध नहीं कम हुआ है। देखिए ये तो सभी पक्ष विपक्ष में चलता रहता है, ये अलग बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये तो सब विपक्ष का काम ही है। तो आपका क्या मानना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आदित्य योगीनाथ, योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे आगे मुख्यमंत्री। हमारे साथ एक लोग और है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अंकित सिंह चौहान है। चुनाव आ गए हैं, सभी दल मैदान में हैं, तो सरकार किसकी बन रही है? अब की बार तो बीजेपी सरकार फिर पुनः वापस होगी। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं, राशन वगैरह फ्री में दे रहे हैं, और राशन के साथ और चीज़ें भी बढ़ाई गई हैं, जिससे इनके चांसेस फिर बढ़ रहे हैं। कार्य भी अच्छा हुआ है, कार्य अच्छा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का समर्थन ज़्यादा है। हमारे साथ एक लोग और है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? केसरी पांडे। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो अब की बार 2022 में क्या रंग दिखेगा? इसमें टोटल बीजेपी ही जाएगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी आदतें सुधारने के बाद, जैसे सामने वाले भाई बताए हैं अभी, अन्ना प्रथा पहले ये बंद हो, जानवरों की सुरक्षा हो, रोड में आदमी से ज़्यादा जानवर मरे दिख रहे हैं, लावारिस जानवर घूम रहे हैं, मेन चीज़ ये है, हर आदमी जानवर से परेशान है। आपको दिक्कत जो है वो मतलब ये है कि आवारा पशु जो है उसकी वजह से सरकार, उसको रोकने में सरकार नाकाम रही है। हाँ बस। हमारे साथ एक साथी और है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय है आपका? राजन। चुनाव में कौन सरकार बना रहा है आपकी बात? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बना रही है, विपक्ष तो कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए भी बीजेपी सरकार ही अच्छी है। क्या अच्छाई है लिखी आपको? अच्छाई है देखिए, जो किसान को तीनों सबको दिख रही है, अच्छाई है सबको दिख रही है, जो किसान को तीन माफ कर दिए हैं, क्या कहते हैं, तीन कानून ले लिए हैं जो वापस, वो भी अच्छा किया है, और बाकी सब अच्छे कर रहे हैं, हमारे लोग की पढ़ाने के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और साथी हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो अब की 2022 का ताज किसके साथ सजेगा? अब की तो बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल है, कौन बदला जाएगा? बदली जाए सरकार, बदली जाए। कौन आ रहा है सरकार में? सरकार बदलेंगे तब बताएंगे क्या आएगी। नहीं, किसका है यहाँ पर? आएगी सपा। सपा आएगी, तो लोगों की मिली जुली राय यहाँ पर सामने आई है। आवारा पशु को लेकर सरकार पर घेरा गया है, लेकिन जो है अपराध नियंत्रण और इस पर जो है सरकार को सराहा भी गया है। प्राइम टीवी की विधानसभा की ये पड़ताल पूरी होती है, अगले पड़ाव की ओर फिर मिलेंगे। कैमरामैन तो आज के प्राइम पब्लिक और सरकार में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।